Knovenegal reaction. In this reaction, active methylene compound is treated with base with carbonyl compound. इस reaction में हम कोई भी active methylene compound लेते हैं, उसकी reaction weak base के साथ carbonyl compound के साथ react करते हैं, तो इस reaction को Knovenegal reaction कहते हैं. Active methylene compound वो molecule जिसमें CH2 group का जो hydrogen है, ये acidic hydrogen है. Acidic hydrogen इसलिए क्योंकि इससे दो group ऐसे लगे हैं जो strong electron withdrawing group हैं. जैसे ये दोनों ग्रुप NO2, CN, CHO, एल्डिहाइड, कीटोन या एस्टर हो सकते हैं. यहाँ पे हम कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले सकते हैं, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, और साथ में लेते हैं वीक बेस. वीक बेस इसलिए क्योंकि ये एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड से हाइड्रोजन प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करके इसको इनोलेट आयन में कन्वर्ट करके न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करता है. जैसे अगर ये एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन पिरिडीन से करें तो ये पिरिडीन एच प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बन जाएगा इनोलेट, जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन में एक्ट करेगा. मैकेनिज्म देखें अगर, तो कार्बोनाइल कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. बॉन्ड पेयर शिफ्ट होंगे तो ये ओ पे नेगेटिव चार्ज और ये सी एच जेड. इसका अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो हाइड्रोलिसिस करने पर एसिडिक मीडियम में ओ नेगेटिव एच प्रोटॉन सेपरेट करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा. और अगर अब इसको हीट करें तो ये अल्फ़ा और ये इसकी बीटा पोजीशन, तो अल्फ़ा और बीटा पोजीशन से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा तो फाइनली अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल बनेगा. यहाँ पे हम अगर इस रिएक्शन की ट्रिक देखें तो हमें केवल ये करना है कि एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड से दोनों एच और कार्बोनिल कंपाउंड से दोनों ऑक्सीजन निकालना है, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट फॉर्म होगा. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पे जेड की जगह हमने सी डबल ओ ई टी लिया है, जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है. अब पिरिडीन की प्रेजेंस में ये कार्बेनायन बना, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये पी एच सी एच ओ नेगेटिव. अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने पर सबसे पहले तो ओ नेगेटिव एच प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ये ओ एच में न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये सी डबल ओ ई टी एस्टर है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा, टू इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे और अल्फा पोजीशन पे दो सी डबल ओ एच लगे हैं. अगर वन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, हीट किया जाए तो इससे सी ओ टू बाहर हो जाएगा, सी ओ टू बाहर हो जाएगा तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया. इसको फर्दर हीट करेंगे अगर हम तो ओ एच और एच निकल जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा. वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड मतलब सिनेमिक एसिड बनेगा. इस रिएक्शन की भी अगर हम बात करें तो ये भी इसमें भी परकिन एसिड परकिन रिएक्शन की तरह, रिफॉर्मिस्ट की रिएक्शन की तरह सिनेमिक एसिड बन सकता है. चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं. जैसे अब यहाँ पे देखा जाए तो ये वीक बेस लेंगे तो अब ये कार्बोनाइल कार्बन है, इससे ऑक्सीजन निकलेगा, एक्टिव हाइड्रोजन है, इससे वाटर निकलेगा तो फाइनल मॉलिक्यूल ये बन जाएगा. यहाँ पे सी डबल ओ ई टी था तो पहले दो सी डबल ओ एच बने होंगे, हीट करेंगे तो एक सी डबल ओ एच निकल जाएगा, फिर वाटर रिमूव होगा तो फाइनल कंपाउंड ये बन जाएगा.